हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टारगेट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, टारगेट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 28 नवंबर 2018। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो आज मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप हमारे जो वीडियो डिस्क्रिप्शन हैं वहाँ पर टेलीग्राम्स, ये ई मैसेंजर जो है, ई संदेश, इसकी लिंक दी हुई है, इसको डाउनलोड कीजिए आप प्ले स्टोर में और हमारे से जुड़ जाइए। साथ ही साथ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं ताकि आपको आने वाली एग्ज़ाम्स का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की PDF मैंने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपका बाद में रिविज़न आसानी से हो सके। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर, और मेरे इस चैनल को शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर करें अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। किस देश के लेग स्पिनर यासिर शाह, पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले, जो कि 1990 के बाद टेस्ट मैच के एक दिन में 10 विकेट झटकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो अनिल कुंबले के बाद यासिर शाह जो लेग स्पिनर है, ये कारनामा करके दिखाया है उन्होंने। इन्होंने एक दिन में ही 10 विकेट झटके हैं। तो ये बताना है कि ये किस देश से हैं। ये जो यासिर शाह हैं, ये हैं पाकिस्तान से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पाकिस्तान होगा। ये हैं यासिर शाह, इन्होंने 10 विकेट झटके हैं। और ये अनिल कुंबले जो 1999 में अनिल कुंबले ने ये करके दिखाया था, उसके बाद ये यासिर शाह ने किया है। तो ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और अभी जो यूएई में पाकिस्तान के यासिर शाह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो दूसरा टेस्ट हुआ था, उसकी पहली पारी में 8 विकेट और दूसरी पारी में 2 विकेट हासिल किए हैं। ठीक है दोस्तों, और जो अनिल कुंबले हैं, उन्होंने 7 फरवरी 1999 को अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ एक दिन में ही एक पारी में 10 विकेट की लिए थे। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। आईसीसी की ताज़ा T20 गेंदबाजी रैंकिंग में 20 पायदान की छलांग लगाकर भारतीय चाइनामैन कहे जाने वाले स्पिनर, नाम क्या है इनका, कुलदीप यादव, कितने नंबर पर पहुंच गए हैं। तो आईसीसी रैंकिंग की न्यू ताज़ा रैंकिंग में जो T20 की रैंकिंग रही है गेंदबाजों में, उनमें कुलदीप यादव, जिन्हें चाइनामैन कहा जाता है, इन्होंने 20 पायदान की छलांग लगाई है और ये पहुँच गए हैं तीसरे नंबर पर। ये तीसरे नंबर पर आ गए हैं। जानते हैं इसके और भी स्टैटिक फैक्ट्स। तो जो T20 रैंकिंग है उसमें 20 पायदान की छलांग लगाई है और टॉप 3 में आ गए हैं ये। साथ ही साथ कुलदीप इस रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र भारतीय गेंदबाज है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं इसके स्टैटिक फैक्ट की ओर। तो आईसीसी के स्टैटिक फैक्ट के बारे में जानते हैं। तो आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। इसका जो मुख्यालय है वो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। और जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, शशांक मनोहर इसके अध्यक्ष हैं आईसीसी के। इसका मुख्यालय हमेशा पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है और जो अध्यक्ष हैं वो शशांक मनोहर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD मिनिस्टर्स ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्कुलर जारी कर दिया है, और इसमें किस कक्षा के बच्चों को होमवर्क नहीं देने का निर्देश जारी किया है। मतलब किस कक्षा के बच्चे हैं जिन्हें होमवर्क नहीं मिलेगा अपनी पढ़ाई में। तो ये जो है, अभी HRD मिनिस्टर्स ने कुछ सर्कुलर्स जारी किए हैं जिसके अनुसार क्या होगा, अब बच्चे के बोझ को तले नहीं दबाया जाएगा बचपन को। और जो अभी जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो बैग हैं बच्चों के, वो काफ़ी वजनदार होते हैं। और इस लिहाज से ये HRD मिनिस्टर ने ये लिया है कि जो बच्चे हैं उसमें जो एक व दो कक्षा के जो बच्चे हैं उनके होमवर्क नहीं दिए जाएगा, साथ ही साथ इनका जो वजन है बैग का वो रहेगा 1.5 kg। 3 से 5 कक्षा तक के बच्चों का जो बैग का वजन रहेगा वो रहेगा 2 से 3 किलोग्राम, और 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनके बैग का
रहेगा 4 किलोग्राम। कक्षा 8 से 9 कक्षा तक जितने भी बच्चे हैं उनके बैग का वजन रहेगा 4.5 kg, और 10 से 12वीं कक्षा तक के पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो वजन रहेगा वो रहेगा 5 kg से नीचे, 5 kg से ऊपर किसी भी कक्षा का बैग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये सर्कुलर जारी कर दिया HRD मिनिस्टर में। तो अब बता देते हैं आपको हमारे जो HRD मिनिस्टर्स हैं वो कौन है। प्रकाश जावड़ेकर, प्रकाश जावड़ेकर जी HRD मिनिस्टर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। ब्रिटेन के कितने पाउंड के नए नोट पर छपने के लिए नामित वैज्ञानिकों में जो दिवंगत भारतीय वैज्ञानिक है जगदीश चंद्र बोस का नाम भी शामिल है। तो जो पाउंड है ब्रिटेन का उसमें जगदीश चंद्र बोस का जो है फोटो छपने का है, और ये जो है 50 पाउंड का जो नोट है उस पर छपने का माना जा रहा है। और जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है UK की, उसने 2020 से छपने वाले इन नोटों पर किसी वैज्ञानिक की तस्वीर लगाने की योजना बनाई है जिसमें सैकड़ों वैज्ञानिक हैं, उनमें से इनका नाम भी शामिल है जगदीश चंद्र बोस का। अब ये जगदीश चंद्र बोस हैं कौन जान लेते हैं। तो ब्रिटिश राज के दौरान 1858 में जगदीश चंद्र बोस ने जो है पौधों में जीवन साबित करने का एक श्रेय हासिल है इन्हें। ठीक है दोस्तों, प्लांट बायोलॉजी के जनक थे ये। और इसमें इस सूची में जो बाकी वैज्ञानिक हैं उनके नाम है कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग, एडा लवलेस, और टेलीफोन के आविष्कारक जो हैं ग्राम बेल वो भी इसमें शामिल है, और खगोल शास्त्री पैट्रिक मूर, और पेनिसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये इतने सारे वैज्ञानिक इसमें नामांकित किए गए हैं जिसमें भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का भी नाम शामिल किया गया 50 पाउंड के नोट पर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। हाल ही में नासा के किस यान ने मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। अभी हाल ही में लैंडिंग हुई है, और ये जो नासा का मंगलयान पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है ये हुई है इनसाइट की। इनसाइट्स जो लैंडर है इसने लैंडिंग करी है, और इसने ये यान सोमवार मंगलवार की जो रात्रि थी अभी कल ही उस दिन रात्रि में एक बजकर चौबीस मिनट पर यह मंगल ग्रह की सतह पर पहुंचा था। और ये इसका फोटो मैंने दिया हुआ है, ये है सैटेलाइट्स, ये है वो यान जो मंगल ग्रह पर पहुंचा है, और यहाँ से ये पिक्चर्स ली हुई है। ठीक है दोस्तों, और इसकी पहली पिक्चर्स आ गई थी। जानते हैं नासा का जो इसके नासा के बारे में, तो ये जो नासा है इन्होंने ये दूसरा मंगल मिशन लॉन्च किया है। 5 मई को ये लॉन्च किया गया था, और इसका नाम है इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशंस जियोडेसी एंड हिट ट्रांसपोर्ट, और इसका शॉर्ट नेम्स क्या है इनसाइट लैंडर। इससे पहले जो 2012 में क्यूरोसिटी रोवर्स इन्होंने लॉन्च किया था मंगल ग्रह पर, और ये दूसरा है जिसका नाम इनसाइट है। तो इस तरीके से मंगल ग्रह पर उतरने वाले नासा का जो है टोटल 2 मिशन हो गए हैं, पहला था क्यूरोसिटी रोवर और दूसरा है इनसाइट लैंडर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो ये चुनाव आयुक्त हैं, इनका नाम है सुनील अरोड़ा, और इन्हें अब 2 दिसंबर से ये पद ग्रहण करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त का। ये अभी आयुक्त हैं, चुनाव आयुक्त हैं, इन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाएगा। ये जो हैं OP रावत जी 1 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, और उनकी जगह ये स्थान लेगा। इनका कार्यकाल OP रावत जी का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, और 2 दिसंबर से ये अपना पदभार संभालेंगे सुनील अरोड़ा जी। जानते हैं आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि अरोड़ा आगामी 2 दिसंबर को पदभार ग्रहण करेंगे। रावत का कार्यकाल 1 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। ठीक है,
अब जानते हैं सुनील अरोड़ा जी के बारे में। तो ये जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है आईएएस, आईएएस के 1980 बैच के राजस्थान केडर के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, और ये बतौर चुनाव आयुक्त अरोड़ा की नियुक्ति 31 अगस्त 2017 को हुई थी। सुनील अरोड़ा जी 31 अगस्त 2017 से चुनाव आयुक्त का पदभार संभाले हुए हैं, ठीक है दोस्तों। और ये आईएएस अधिकारी हैं 1980 बैच के राजस्थान केडर के। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने ईसीबी के लिए हाइजिंग मानदंडों को मौजूदा 100% से कितने परसेंट तक किया है? तो ये किया है इन्होंने 70% तक, 70% तक कर दिया है हेजिंग मानदंडों को ईसीबी के लिए। और जानते हैं इसके बारे में। तो जो ईसीबी है, ईसीबी का फुल फॉर्म्स है, ईसीबी का फुल फॉर्म्स पूछा जाता है बैंकिंग एग्जाम्स में, तो इसका फुल फॉर्म है बाहरी वाणिज्यिक उधार। जो बाहरी वाणिज्यिक उधार होता है उसके जो मानदंड है उसमें 100% से 70% तक कम कर दिया है रिजर्व बैंक ने। आसान किए गए जो मानदंड है इसकी परिपक्वता जो अवधि रहेगी वो कितनी रहेगी? 3 से 5 वर्ष के बीच लागू होगी, ठीक है दोस्तों। ये स्टार्ट किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की, वो हुई थी हिल्टन यंग समिति के अंतर्गत, और जो आरबीआई एक्ट बना था 1934 उसके अंतर्गत इसकी भारतीय रिजर्व बैंक बना था, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में, और जो गवर्नर है फिलहाल वो है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। कौन सी कंपनी अमेरिका की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट अमेरिका की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी अब बढ़ गई है, वो बढ़ गई है एप्पल को पिछाड़कर माइक्रोसॉफ्ट। पहले एप्पल थी, अब माइक्रोसॉफ्ट हो गई है, एप्पल को पछाड़ दिया है। और जो एप्पल का है, एप्पल का बोला जाता है जो इनके आईफोन्स है उसमें भारी मात्रा में जो है उनकी बिक्री में कमी आई है, और साथ ही साथ जो माइक्रोसॉफ्ट में अभी गेम्स वगैरह और इस तरीके से एप्पल्स और सरफेस जो अभी टैबलेट्स और लैपटॉप हैं उसमें काफ़ी तेज़ी रही है इसके, और इसके चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट बहुत अपने मार्केट कैप में 753.3 अरब डॉलर की मार्केट कैप रही है माइक्रोसॉफ्ट की, और इसी तरीके से ये फर्स्ट नंबर पर रहा है माइक्रोसॉफ्ट। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर रहा है एप्पल जिसकी मार्केट कैप है 746.8 अरब डॉलर। थर्ड नंबर पर है अमेजन्स कंपनी जो ई कॉमर्स कंपनी है 736.6 अरब डॉलर के साथ, और जो गूगल है अल्फाबेट उसकी है 725.5 अरब डॉलर। जो फिफ्थ नंबर पर है वो वर्कशायर है, और वर्कशायर हाथवे का जो है 490.77 अरब डॉलर मार्केट कैप है, कैपिटलाइजेशन से इनकी टोटल इनकम, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट टॉप पर रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट के स्टैटिक फैक्ट के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 अप्रैल 1975 को, 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करी थी, और इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन में है, वॉशिंगटन यूएसए में, ठीक है दोस्तों। संस्थापक हैं इसके बिल गेट्स और पॉल एलन, पॉल एलन और बिल गेट्स ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करी थी। ये स्टैटिक फैक्ट हमेशा पूछे जाते हैं, तो इन्हें रिवाइज करिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आने वाली एग्जाम्स में अच्छे से इनसे कोई भी क्वेश्चंस मिस ना हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। भगवान राम की 221 मीटर लंबी मूर्ति जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होगी का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? तो ये जो है ये किया जाएगा अयोध्या में, और अयोध्या में किया जाएगा इसका निर्माण। और ये जो मूर्ति है राम भगवान की ये है 221 मीटर लंबी, मीन्स ये सबसे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति हो जाएगी। अभी जो है भगवान राम की मूर्ति जो है ये 151 मीटर ऊंची होगी, और मूर्ति के ऊपर 20 मीटर ऊंचा छत्र होगा, और नीचे कुल जो है 50 मीटर का आधार होगा। इस तरीके से इसकी जो कुल ऊंचाई हो जाएगी वो 221 मीटर हो जाएगी,
ठीक है दोस्तों, ये संभावित है इसकी 221 मीटर, इससे ऊपर या नीचे भी हो सकती है 221 मीटर से। ठीक है, बढ़ते हैं। अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, गुजरात में जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की यूनिट वो है म्यूजियम उनका है, और यहाँ इनकी जो है इनकी जो ऊंचाई रखी गई है इस मूर्ति की, वो रखी गई है 182 मीटर, और अभी ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये जो प्रतिमा है ये किस नदी पर है, तो ये है नर्मदा नदी तट पर और सरदार सरोवर बांध पर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं इसके स्टैटिक फैक्ट के बारे में। तो यूपी के जो मुख्यमंत्री है वो है योगी आदित्यनाथ, और जो राज्यपाल है वो कौन है, राम नाईक, राम नाईक यहाँ के राज्यपाल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। 23 नवंबर 2018 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के मुताबिक आयुष भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान योजना लॉन्च करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसके तहत कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शन राज्य के रूप में उभरा है, तो शीर्ष प्रदर्शन किया है वो राज्य उभरा है गुजरात, गुजरात राज्य उभरा है, और इन्होंने जो है आयुष्मान भारत योजना में टॉप्ड किया है, टॉप्ड इन इम्प्लीमेंटेशंस, मतलब इम्प्लीमेंटेशंस तो जानते हैं इसके कुछ बिंदु के बारे में। तो 23 नवंबर तक जो है इस योजना के तहत गुजरात स्वीकृत अस्पतालों की भर्ती में कुल संख्या 26% हो गई है, मतलब कि जो 100% अस्पताल खोले जाएंगे उसमें 26% स्वीकृति मिल गई है, और ये अस्पताल गुजरात के तहत हो गए हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो 23 सितंबर से गुजरात में करीब 76,000 अस्पताल भर्ती मंजूर की गई है, और तमिलनाडु में 54,273 भर्ती के साथ दूसरे स्थान पर रहा है, और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ है वो 53,180 भर्ती के साथ तीसरे स्थान पर रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा जो अस्पताल मंजूर किए गए हैं वो 76,000 हैं जो कि गुजरात से हैं। और ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है ये किसके लिए है, ये सभी गरीब परिवारों के लिए है जिनकी जो ये 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए है जिन्हें प्रतिवर्ष पूरे परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवरेज दिया जाएगा। और जो ये स्कीम लॉन्च की गई थी, ये जो योजना लॉन्च की गई थी वो की गई थी 23 सितंबर 2018 को। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से गुजरात शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है आयुष्मान भारत स्कीम में। ये था आज का करंट अफेयर्स। मेरे इस चैनल को आप दोस्तों शेयर करें और इन ग्रुप्स से जुड़ सकते हैं ताकि आपकी जो स्टडी है वो और ज़्यादा फ्लो में चले, और आने वाली एग्ज़ाम्स में आप अच्छा प्रदर्शन कर सके। करंट अफेयर्स की ये वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।